Hi guys, welcome back to our channel Poo Forever, and welcome back again to Ship Stories with Sagar. जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं शिप पर पहुंच गया हूं. दो दिन हो गए और अभी हम सेल कर रहे हैं. एंड मैं काफ़ी बिजी था. जॉइनिंग का वीडियो तो आपने देख लिया होगा. बहुत ही बिजी था मैं, क्योंकि जॉइनिंग भी एकदम रश रश में हो गई. एंड जो रिलीवर था मेरा, वो भी एक दिन में चला गया. एंड बीइंग अ चीफ ऑफिसर, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में भी ज़्यादा टाइम तो मिला, बट इतना टाइम नहीं मिला. तो अभी तो हेक्टिक रन चल रहा है. एकदम 3 दिन बाद हम फिर पहुंच जाएंगे लोडिंग के लिए. देन अगेन वी हैव टू गो एंड डिस्चार्ज इन 3 डेज. देन अगेन 2 दिन का. तो सेलिंग और रन बहुत हेक्टिक है यहाँ पर. तो मुझे इतना टाइम मिला नहीं. मैं सामान भी निकाला नहीं पूरा. मैंने सामान भी ऐसे ही पड़ा हुआ है. शिप हिल भी रहा था बहुत. तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें ही खोली है, बाकी सब मैंने निकाली नहीं. ज़रूरत की चीज़ें वही खोली है. और बाकी मैंने ये वीडियो आपको इसलिए बना रहा हूँ मैं वीडियो, ताकि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना था. एक्चुअली हर टाइम मैं जब ज्वाइन करता हूँ, जॉइनिंग का जैसे मैंने बताया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. पूजा और मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड है. एंड उसको छोड़कर आना वहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो जाता है. देन पूजा की एक गुड हैबिट है, ये है लाइक वो हमेशा मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो वो मुझे एक सरप्राइज़ एक लेटर लिख कर देती है, जो वो कहीं पर छुपा देती है, जो मुझे पता नहीं चलता जब तक मैं शिप पर आके सामान वगैरह खोल ना दूँ. तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा लेटर फिर बाद में अचानक से मिलता है. एंड व्हेन यू रीड इट, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. एंड बहुत आपका मूड एनलाइटन हो जाता है, इमोशनल भी हो जाते हैं आप, बट बहुत ही अच्छा लगता है. तो पूजा की वो एक बहुत अच्छी आदत है. मैं तो इतना, मतलब मैं भी लेटर्स लिखता हूँ, मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे, बट ऐसे मैंने इतना, हाँ लास्ट टाइम मैंने भी लिखा था उसको एक लेटर, बट शी इज़ लाइक, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो आपको खुश करे, वो उसको बहुत पसंद है. एंड वो हमेशा मेरे लिए सब करती रहती है. तो अभी मैंने बैग खोला था तो मुझे एक ये जो मग है, जो मैंने पूजा ने मुझे मतलब कस्टमाइज़ करके बनवाया था, तो मैं ये शिप पर हमेशा लेकर आता हूँ. तो इसी में मैं मग निकाल रहा था तो मुझे एक लेटर मिला है. तो अभी मैं ये लेटर पढ़ने वाला हूँ और पढ़ के देखता हूँ उसने क्या लिखा हुआ है. थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगा मैं, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट इज देयर, व्हाट शी हैज रिटन इन दिस. तो चलिए मैं ये वीडियो चालू करता हूँ, वापस ये लेटर रीड करता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा है उसने. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अंत तक देखिए, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मेरा रिएक्शन भी देख लीजिए कि कैसा होगा. मैं ये पढ़ रहा हूँ तो कैसा होगा, क्या क्या लिखा है इसमें. ज़्यादा बड़ा लेटर नहीं लग रहा है, ये छोटा ही है. लास्ट टाइम उसने ज़्यादा बड़ा लिखा था, बट जितना भी हो, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बहुत सरप्राइज कर देती है और आपको बहुत खुश कर देती है, वो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है. तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और देखिएगा आगे अंत तक. सो मैं क्या करती हूँ, जब भी सागर शिप पर जाता है, उसके पहले मैं बिना बताए सागर को एकदम छुपके से मैं लेटर लिखती हूँ. सो व्हेन एवर ही इज गॉन आउट मेडिकल वेडिकल्स के लिए, तो मैं लेटर लिखती हूँ एंड आई कीप इट इनसाइड हिज बैग. मैं मोस्टली उसके कप में रखती हूँ, जो चाय पीता है जिस कप से, उसमें मैं अंदर रखती हूँ, बिकॉज वो फटाक से हमेशा निकालेगा, वो उसमें उसको वो दिखेगा. अगर मैं किधर और रखूँ तो शायद वो लेटर उसको मिसप्लेस हो सकता है, तो मैं हमेशा कप के अंदर रखती हूँ. तो इस बार मुझे याद ही नहीं रहा, कल भी सागर गया था मेडिकल्स के लिए, तब मेरे को इतना ध्यान नहीं रहा बिकॉज आई वॉज बिजी पैकिंग एंड ऑल. सो अभी मुझे टाइम है तो मैं लिखने वाली हूँ लेटर. चलिए लिखते हैं लेटर एंड देखते हैं सागर का रिएक्शन कैसा रहेगा. सो लेटर मैंने लिख ली है गाइस, अभी इसे रखते हैं बैग में छुपके से. चलिए. सो ऑलरेडी यहाँ पे बैग पैक किया है सागर ने, उसे मुझे निकालना पड़ेगा, उसमें से कप ढूंढना पड़ेगा एंड उसके अंदर मैं रखूँगी लेटर. चलिए ढूंढते हैं. ये रहा वो कप
ये जिसमें हमारी फोटो है, तो इसके अंदर मैं ये लेटर डालने वाली हूँ ताकि जब सागर कप निकाले तो उसे ये लेटर जरूर मिले। किसी भी कर देती हूँ, अंदर रखते हैं। तो गाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेटर पढ़ने के लिए। लेटर में लिखा है, डियर सागरी, पूजा मुझे प्यार से सागरी बुलाती है। डिड यू एक्सपेक्ट दिस लेटर? यू मस्ट बी नोइंग ना दैट आई डू राइट लेटर्स एंड गिव यू सरप्राइज। वो तो करती है हमेशा। आई लव यू सो मच सागरी। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू to stay away for such a long time without me. Thank you for being so patient. Can't imagine my life without you. Same here. It is very difficult for me to live without you even for a single day. But it's your job and you have to do it and you have to go. I am so proud of you for becoming chief officer. Whatever you are today is because of your hard work and prayers. Please work safely and come back soon. Yours, Pooja. ये लेटर हमेशा पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और बहुत ज़्यादा होम सिकनेस फील मैं करने लगता हूँ, क्योंकि इतने महीने साथ रहने के बाद फिर आप अगर ज्वाइन करते हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ज्वाइन। स्टार्टिंग इनिशियल डेज में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपको घर की याद इतनी आती है एंड आफ्टर रीडिंग दिस लेटर तो और भी ज़्यादा याद आने लगती है। आप ऐसा सोचते हो कि अब क्यों आ गए शिप पर, बट क्या करें, अभी आदमी को काम तो करना पड़ेगा। ये लेटर पढ़ के मैं ऑलरेडी क्या बोलूँ, मैं अभी मैं हमेशा मतलब ये लेटर जब आता है मतलब मैं पढ़ता हूँ तो अभी कुछ दिनों बाद मैं वापस पढ़ूँगा, क्योंकि वो एक चीज़ होती है ना कि आपको कुछ प्यार से अगर कोई देता है या ऐसा लेटर लिखता है तो यू ट्राई टू लाइक आप मेमोरीज वो रिकलेक्ट करने ट्राई करते हो कि आपने जो जो किया है एंड बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। याद तो बहुत आ रही है उसकी अभी, बट क्या करूँ अभी मैं। मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, मतलब एक्सपेक्ट तो मैं करता हूँ लेटर, बट मेरी ज्वाइनिंग भी बहुत रश में हो गई थी, तो जिस दिन शायद मैं मेडिकल के लिए गया था उसी दिन उसने लिख के ये रखा होगा मेरे बैग में, क्योंकि पैकिंग मैंने पहले ही कर दी थी हम लोगों ने दोनों ने मिलके। तो इट्स वेरी हार्ट टचिंग एंड वेरी इमोशनल। मैं उसको कॉल करके बताऊंगा आज कि मैंने लेटर पढ़ लिया है एंड एक एक चीज जो उसने लिखी है, इट्स लाइक वेरी क्या बोलूं अभी, मेरे वर्ड्स नहीं आ रहे इतने। सो ये एक लेटर जो है उसने लिखा हुआ है एंड वो हमेशा ऐसा करती रहती है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें सरप्राइज करती रहती है मुझे, कुछ मेरे लिए गिफ्ट मंगा दिया या शी नेवर टेल्स मी एंड जो मुझे पसंद है और वो ऑर्डर करती है मुझे मंगा के देती है, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। इस चीज़ में मैं थोड़ा लैक करता हूँ, मैं उसको सरप्राइजेस देता हूँ बट इतने नहीं सरप्राइजेस देता हूँ। ये तो एक्चुअली ये तो आपको करते रहना चाहिए एक्चुअली। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कर सकते हैं, उससे एक अलग ही खुशी मिलती है एंड दैट इज़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि आपको कैसे फील होता है। तो ये कप भी उसी ने मुझे दिया था, इसी में उसने रखा था ये, तो बहुत ही अच्छा लगा है लेटर पढ़ के।
एंड पूजा को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, मेरे से ज़्यादा डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू टू स्टे अवे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. मैं तो काम में इन्वॉल्व हो जाऊँगा, कुछ ना कुछ ही हो जाएगा, बट बीइंग अ वाइफ आई नो हाउ डिफिकल्ट इतना दूर रहना. एंड यहाँ पे इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू है, इतना इंटरनेट नहीं है, 120 MB के करीब है, तो हर दिन हमारी बात नहीं हो पाएगी, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, तो इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट. आई नो दैट शी ऑल्सो नोस, तो एक अंडरस्टैंडिंग और क्या बोले, अभी आप सिर्फ वेट करते हो कि कब आपका साइन ऑफ हो जाए, वो जब 5 महीने 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं ना, वो एक खुशी का टाइम अलग ही है. ज्वाइनिंग के टाइम वैसे ही आप ऑपोजिट हो जाते हो, इतने दुखी हो जाते हो कि आपको मन नहीं करता जाने का. बट ये लेटर पढ़ के मुझे काफ़ी अभी पॉजिटिविटी और मिल गई है, एंड होपफुली नहीं, एंड दिस विल मेक माई टाइम ऑन बोर्ड मच मच बेटर धीरे धीरे. मैं और बीच बीच में इसे पढ़ते भी रहूँगा, मैं पढ़ते भी रहता हूँ ऐसा लेटर, लास्ट टाइम भी उसने लिखा था, तो जब मैं थोड़ा सा लो फील करने लगता तो मैं लेटर पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है. तो थैंक यू पूजा फॉर दिस लवली लेटर, आई लव यू टू वेरी मच, एंड होपफुली दिस टाइम गोज फास्ट एंड मैं जल्द से जल्द घर आ जाऊँ एंड तुझे एक बड़ा सा हक दूँ, एंड बस और कुछ नहीं ना, अभी ज़्यादा मैं बोलने को हो नहीं रहा मुझे. थैंक यू बाबू एंड आई लव यू टू, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय, लव यू वेरी मच. तो गाइस यही था एक छोटा सा वीडियो, मुझे जस्ट मैंने लेटर देखा तो मैं सोचा कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, एंड कैसा लगा मुझे लेटर पूजा का, एंड बहुत ही खुश हूँ मैं अभी ये पढ़कर. तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, पू फॉरएवर को. और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैं वीडियोस बनाते रहूँगा शिप पर और भी सारे, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँगा. तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं आपको कुछ क्वेरीज होगा तो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय.